साई राम, मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कैसे बना भजन। दर्शकों, हम हमेशा ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारी ये इच्छा की पूर्ति कर दो, हमारे मन की ये इच्छा है इसको पूर्ण कर दो। लेकिन क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर की भी कोई कामना होगी, ईश्वर की भी कोई इच्छा होगी कि हम उसकी इच्छा पर खरे उतरें, हम उनकी इच्छा को पूर्ण करें? दर्शकों, ऐसा ज़रूर होता है। ईश्वर भी हमसे चाहते हैं कि हम उनकी इच्छाओं पर खरे उतरें। इन्हीं सब बातों के बारे में और प्रमोद मेड़ी जी हमें बताएंगे कि ईश्वर क्या कामना करते हैं अपने भक्तों से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और प्रमोद मेड़ी जी का स्वागत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। ओम साई राम। गुरु जी, भजनों का सिलसिला चालू है और हम बात कर रहे हैं भजनों के बारे में। तो आपका एक भजन है कि कौन आता है शिरडी मेरे लिए। इस भजन के बारे में, इस भजन से जुड़े अनुभव के बारे में कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। ओम साई राम। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, इसकी जो संकल्पना है, तो एक समय शिरडी में हम सब जो मंदिर में सेवा करते हैं, मेरे साथ जो काम करते थे किशोर गागरे जी, एक बार हम ऐसे बातें करते करते बाबा के बारे में कुछ बातें कर रहे थे और बात ऐसी छिड़ी कि जैसे हम भक्त भगवान के पास जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं, अपनी अपनी मांगे, अपनी मन्नत भगवान के पास जाहिर करते हैं, बाबा हमारी एक इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन हमारी दूसरी मांग हाजिर होती है वो पूरी करते हैं, हमारी तीसरी मांग हाजिर होती है वो पूरी करते हैं। हमारी मांगों का कार्यक्रम कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो कभी हम ये भी नहीं सोचते कि बाबा भी हम भक्तों से क्या चाहते हैं। तो मन में एक संकल्पना आई ऐसी, ये तो हमारी मन की कल्पना है, तो हमने ऐसे एक बात की कि अगर बाबा भक्तों से पूछे कि मेरे लिए कौन आता है शिरडी, तो ऐसी हमारी बात छेड़ गई और उसमें हमने ऐसी संकल्पना की कि एक समय द्वारका माई में श्यामा और बाबा बातें कर रहे थे और बातें करते करते बाबा ने श्यामा से पूछा, श्यामा मेरे लिए कौन आता है शिरडी? तो श्यामा हंसने लगे, बाबा आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो, सब तो आपके लिए आते हैं। तो बाबा कहते कि नहीं श्यामा, मेरे लिए कोई नहीं आता, सब आते हैं, अपनी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और अपनी मांगे पूरी होने के बाद वापस जाते हैं, फिर दूसरी दाम को दूसरी समय कोई मांग होती है तो दूसरे समय आते हैं, अपनी मांग पूरी होती है वापस जाते हैं, तो मेरे लिए कौन आता है? तो ऐसे मन में संकल्पना करके किशोर जी और मैंने दोनों ने एक भजन, उन्होंने लिखा किशोर जी ने, लेकिन वो मैंने भजन गाया है कि कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते हैं अपने लिए। तो ऐसा भजन एक मन में संकल्पना की और बाबा ने वो भजन पूरा कर लिया और भजन वो मैंने गाया और बहुत भक्तों ने भजन को पसंद किया। सच कड़वा होता है लेकिन वो सच होता है जी। तो हमको भी दिल को बात छूती कि बाबा भी हमसे कुछ चाहते हैं। बिल्कुल जी, उनकी भी कुछ इच्छा होती होगी अपने भक्तों से, इच्छा होती कि मेरे लिए। तो ऐसा एक भजन बन गया है। गुरु जी, उस भजन की चंद लाइनें आप हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए गा लीजिए। जरूर जरूर गाएंगे। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। कौन करता दुआए किसी के लिए, कौन करता दुआए किसी के लिए, लोग कहते हैं साईं दो मेरे लिए। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। ताकि इंसान इतना स्वार्थी होता है,
मैंने कहा था कि कौन करता दुआए किसी के लिए, लोग कहते हैं साईं दो मेरे लिए। तो इंसान इतना स्वार्थी है कि सब कुछ चाहिए मुझे चाहिए, जो मेरा है वो मेरा है और जो तेरा है वो भी मेरा है, ऐसी आजकल भक्तों की लोगों की भावना है। तो ये मन में संकल्पना करके ये भजन बना है। गुरु जी, ये जो इसकी धुन है बहुत ही मधुर है जी, और जो आपने इसके शब्दों को पिरोया है वो भी बहुत प्रिय है। इसकी कंपोजिंग की, जिसे आपने इसकी लय बनाई, इसके सुर जोड़े आपने, तो वो किस सोच के साथ आपने जोड़े? मैंने सोचा कि ऐसे देखा जाए तो हर एक शब्द के पीछे कोई ना कोई रस होता है। जैसे कि ये जो रस है करुण रस है, ये बाबा की एक अपनी मन के अंदर की दुखी बाबा का जो है जी। बाबा का मन कहता कि मेरे लिए कोई नहीं आता, सब स्वार्थी है, सब अपने अपने लिए आते हैं। तो इसलिए मैंने ये राग किरवानी राग में इसको मैंने चुना है जी, जी। जो ये राग हमेशा गजल के लिए गाया जाता है जी, जी, जी। तो इसमें करुण रस ज़्यादा में डाला हुआ है। तो ऐसे भजन बन गया और जो मेरे मित्र थे सुधांशु करके, उन्होंने इसको कंपोज किया आगे के अंतरे वगैरह, और ये भजन बन गया जी। यानी कि ऐसे बना भजन जी। गुरु जी, अभी आपने अपने शब्दों में कहा कि, और आपने इस भजन में भी कहा है कि बाबा कहते हैं कि कौन मांगता है दूसरों के लिए, सब मांगते हैं अपने लिए। तो बाबा की सोच क्या है उन भक्तों के लिए जो दूसरों के लिए नहीं मांगते, अपने लिए मांगते हैं जी? तो बाबा इतने दयालु है, जो खुद के लिए मांगते हैं उनके लिए भी बाबा दया करते हैं, जो दूसरों के लिए मांगते हैं उनकी बाबा दया करते हैं। तो जैसे मैंने अंतर में गाया है जो इस भजन की आगे की जो लाइन में है, बाबा कहते हैं कि मेरे दिल में उनकी है चाहते बड़ी, जो सभी के काम आते हैं, मुझे उनसे भी शिकवा नहीं है कोई, किसी को भी जो कुछ न दे पाए हैं, मांगते हैं जो खुशियाँ अपने लिए, मांगते हैं जो खुशियाँ अपने लिए, और करते नहीं कुछ भी रब के लिए, कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। मैं यहाँ एक कहना चाहता हूँ, हम बाबा के पास शिरडी में जाते हैं, बाबा की आरती गाते हैं, आरती में हम गाते हैं, आरती बिल्कुल मराठी में है, लेकिन हम गाते हैं आरती में, कुणाची घृणा नसो न च स्पृहा कशाची असो, सदैव हृदयी वसो मनसी ध्यानी साई वसो, पदी प्रणय ओरसो निखिल दृश्य बाबा दिसो, परे न गुरु साई मा मजवरे कधी रुसो। हम सिर्फ आरती में गाते हैं, आरती मराठी में है, हम गाते हैं कि किसी का द्वेष मत करो, किसी का तिरस्कार मत करो। बाबा हमेशा कहते थे कि हमारे बीच में जो नफरत की दीवार है, जो भेदभाव की दीवार है, उसे तोड़ दो। लेकिन हम आरती गाते हैं, बाहर आते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। तो बाबा ने जो उपदेश दिए है वो कोई किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ये बाबा का यही दुख है। तो हमारे मन में संकल्पना आई थी, बाबा कहते थे कि मैं कुछ नहीं करता, जो करता है मेरा मालिक कोई और है। तो इस अंतरे में मैंने गाया हुआ है, बाबा कहते हैं मैं तो खुद ही फकीर हूँ, तुम्हें क्या मैं दूँ, फकीरी की मस्ती में रमता रहूँ, मैं तो बंदा हूँ उनका मैं कैसे कहूँ, अल्लाह मालिक के कहने पे करता रहूँ। बाबा कहते हैं भला हो सभी का ये चाहत मेरी, भला हो सभी का ये चाहत मेरी, ऐसे भक्तों की झोली मैं भरता रहूं, कौन आता है शिरडी मेरे
आते यहाँ पे अपने लिए। बाबा कहते हैं कि मैं खुद फकीर हूँ, मैं तुम्हें क्या दूँ, देने वाला अल्लाह मालिक है, मैं तो बंदा हूँ उनका, मैं कैसे कहूँ, मैं तो अपने फकीरी में मस्त हूँ, अगर लोग मुझे देते हैं तो उसे मैं स्वीकार क्यों ना करूँ, मैं तो यही चाहूँगा कि सबका भला हो, भला हो सभी का, ये चाहत मेरी। और ऐसी भक्तों की मैं हमेशा झोली भरता रहूं, और बाबा हमेशा भक्तों की हमेशा झोली भरते ही रहे हैं। आज भी देखो आप शिरडी में इतने सारे भीड़ किस कारण है, कि बाबा सबकी समस्या दूर करते, सबका संकट निवारण करते हैं। तो ऐसे हमारे बाबा दयालु है, लेकिन हम उनके उपदेश पर बिल्कुल चलते नहीं, बाबा जो कहते हैं हम कभी मानते नहीं, इसलिए पहले कहते कि बाबा की मानो, पहले बाबा को मानो फिर बाबा की मानो। लोग सिर्फ ओम सायराम कहते हैं, लेकिन बाबा ने जो हमको उपदेश दिए है उसी के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। तो ये बाबा का दुख है। जी। तो दर्शकों, दया के सागर श्री साईं बाबा क्या चाहते हैं? सिर्फ वो इतना ही चाहते हैं कि आप अपने हृदय के मन से एक राग द्वेष और भेदभाव की भावना को त्याग कर उनका स्मरण करें, और जो वो चाहते हैं कि आप अपने मन से सारी जो भी गलत भावनाएं हैं उनको निकाल दें, और आपको निश्चित ही श्री साईं बाबा अवश्य मिलेंगे। और मैं और भी आपको कहना चाहता हूं कि बाबा हमेशा कहते हैं कि मैं सभी की सुनता हूं, मेरे दरबार में अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, कई बार पॉकेट मार भी आते हैं, हमसे हाथ जोड़ते बाबा बोलते कि पॉकेट मार भी मुझे विनती करता कि बाबा मेरा कुछ मेरी तरफ भी ध्यान दो, बाबा उनकी भी सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं, सुन लेता हूँ मैं भी सभी की कही, भले हो बुरे हो या हो जो कोई, सबके रंजो गम और सितम भी सहूं, और मौला से मेरे में कहता रहूं, भर दे झोली तू इनकी मेरे नाम पे। बाबा कहते हैं कि इनकी झोली भर दे झोली तू इनकी मेरे नाम पे, और गुनाहों को इनके जरा बख्श दे, कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए, कौन करता दुआए किसी के लिए, कौन करता दुआए किसी के लिए, लोग कहते हैं साए दो मेरे लिए, कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। तो ऐसे बाबा दयालु है, और श्री साईं बाबा के लिए हर कोई समान है, अच्छे को और अच्छा और बुरे को वो अच्छा बनाने का कार्य करते हैं जो भी एक बार श्री साईं बाबा के दर पर पहुंच जाता है। गुरुजी, अगर बात करें इस भजन की रिलीजिंग के बारे में, उससे पहले कुछ परेशानियां आपके इस रिलीजिंग में आई हों तो वो हमारे साथ साझा कीजिए। परेशानियाँ तो हर एक काम में आती रहती है, लेकिन मैंने आपको कहा कि बाबा का अगर हाथ सर पर हो और बाबा की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हो तो ऐसी कोई भी चीज़ अशक्य नहीं कि जो बाबा की दया हो। कभी कभी आपको मैंने बताया था कि आर्थिक जो रहता है कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन बाबा की दया से जितने भी रिकॉर्डिस्ट मुझे मुंबई में मिले सब साई भक्त ही मिले। वो कहते थे चलो गुरु जी कोई बात नहीं, हम आगे से कोई आपको हम हमेशा मदद करके, बाबा के लिए अब इतना कर रहे हैं तो हम भी हमारा भी कुछ उसमें योगदान रहेगा। और ऐसे करते करते बाबा कैसे कर लेते मुझे पता भी नहीं चलता कि ये कैसे बना भजन, और बाबा ने ये भजन को बना लिया, और वो सारे भक्तों ने इसको। और एक बात मैं ज़रूर भक्तों को बताना चाहता था कि ये भजन कौन आता है शिरडी मेरे लिए, ये सब बाबा की ही मन की भावना मैंने भक्तों के सामने रखी है। लेकिन मेरे मन में कल्पना आई थी ऐसी कि जिस व्यक्ति यानी कि सुधीर दलवी जी ने जो बाबा का शिरडी की साईं बाबा मूवी में काम किया था, अगर उनकी आवाज़ इसमें आ जाए तो और भी अच्छा रहेगा। तो जैसे कि प्रियंका जी ने कहा कि आपको कोई परेशानी आई होगी,
तो मैं एक बार उनके घर चला गया सुदेल दलवी जी के यहाँ। उनको मैंने विनती की कि हम ऐसा ऐसा भजन गा रहे हैं और बाबा की आवाज़ हमें चाहिए। तो उन्होंने जब भजन सुना तो इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े कलाकार, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए कि आपने बहुत अच्छा है, सोच आपकी बहुत अच्छी है और मैं ज़रूर इस जो आपकी जो इच्छा है मैं इसको ज़रूर पूरी करूँगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं आपकी रिकॉर्डिंग करूँगा, वो सुबह 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 समय में करूँगा, क्योंकि उस समय आवाज़ में खराश होती है, बिल्कुल खर्च होता है। और उस समय हमने मुंबई में नेपोलियन स्टूडियो में इसका रिकॉर्डिंग सुबह 6 बजे किया। और मैं चाहता हूँ कि ये सब बाबा की कृपा है कि उन्होंने तुरंत मुझे हाँ कर दी। और साई कहते हैं, इस एल्बम का ये नाम है साई कहते हैं, और इसमें मैंने भजन गाया है कौन आता है शिरडी मेरे लिए। जी, वो कहावत यहाँ सच होती है कि जिस पर साईं की कृपा हो उस भक्त का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई भी विपदा उसको छू नहीं सकती। गुरुजी, हमारे दर्शकों को इस कार्यक्रम के माध्यम से, भजनों के माध्यम से क्या उपदेश देना चाहेंगे? बस जो बाबा चाहते हैं, अभी बाबा ने बोला था कि कौन आता है शिरडी मेरे लिए। मैंने देखा है कि ऐसा एक भी भक्त नहीं कि जो शिरडी गया है और बिन मांगे चला आया है। हमेशा कोई ना कोई भक्तों की मांग होती है, लेकिन कभी कभी कई भक्त मैंने देखे हैं कि कोई मन में अभिलाषा नहीं, कुछ नहीं, बस हर महीने बाबा के दरबार में आते हैं, शिरडी दर्शन करते हैं और निकल जाते हैं। मैं भक्तों से यही कहना चाहता हूँ कि बाबा ने जो श्रद्धा और सबूरी ये जो मंत्र दिए हैं उसके उपदेश पर हमें चलना है। और बाबा हमेशा देखो द्वारका में जाते थे, उस समय बाबा भी सबको 2 रुपये दक्षिणा दो ऐसा बोलते थे, लेकिन लोगों को आज तक पता नहीं कि बाबा 2 रुपये क्यों मांगते थे। तो 2 रुपये का मतलब श्रद्धा और सबूरी। तो बाबा के प्रति हम श्रद्धा तो रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर सबूरी कभी भी नहीं रहती। हर एक भक्तों को लगता है कि मेरा काम जल्दी होना चाहिए, बाबा जल्दी मेरी मनोकामना पूरी करे, लेकिन इंसान का जो कर्मों का जो भोग है, जब तक वो भोग टल नहीं जाता तब तक जो विधि लिखित है वो उसे तो कोई टाल नहीं सकता। लेकिन हाँ, सदगुरु की अगर कृपा है, बाबा की कृपा है, तो बाबा इसे अवश्य आशीर्वाद रूप से प्राप्त, उनको आशीर्वाद देते हैं, आशीष देते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। तो मैं भक्तों से यही कहूँगा कि बाबा की शरण में जाओ, बाबा आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। और श्रद्धा सबूरी, और बाबा ने भी कहा था कि सबका मालिक एक है जी। तो इसी अवसर पर बाबा पर विश्वास रखो और बाबा की शिरडी यात्रा हमेशा करते रहो। तो मैं बाबा के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ सब भक्तों के लिए कि बाबा आपके द्वारे जो कोई भी आता है उनकी हर एक इच्छा पूरी करो, सबकी मनोकामना पूरी करो। और एक 2 लाइन गाकर मैं भक्तों के लिए बाबा से प्रार्थना करता हूँ। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना, जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। सही रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। ये बाबा की चरणों में प्रार्थना करता हूँ भक्तों के लिए। ओम श्री राम जी। गुरु जी, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा आपका कि कौन आता है शिरडी मेरे लिए इस भजन का। और आपने हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि ये भजन कैसे बना, यानी कि पूरी स्टोरी के बाद निकल के आया कि कैसे बना भजन, ऐसे बना भजन। गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। ओम साई राम। दर्शकों, कार्यक्रम कैसे बना भजन में हमारे साथ जुड़े थे प्रमोद मेड़ी गुरु जी, जिन्होंने हमें बताया कि ईश्वर क्या कामना करते हैं और क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं कि कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सब आते हैं अपने लिए। कोई मेरे लिए नहीं आता, अपनी इच्छाओं के लिए आता है, अपनी कामनाओं को लेकर आता है कि मैं उनकी ये इच्छाएं पूर्ण कर दूं। दर्शकों, हमें ध्यान रखना होगा ईश्वर के बारे में, उसकी कामनाओं के बारे में। वो सिर्फ हमसे ये चाहते हैं कि हम अपने मन से भेदभाव, राग द्वेष सब दूर कर दें।
उनके प्रति आस्था रखें, सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करें, उनकी भक्ति में लीन हो जाएं। कैसे बना भजन के आज के इस अंक में बस इतना ही। हम पुनः उपस्थित होंगे आप सभी के समक्ष एक और अंक के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।